चुनाव आयोग की लेट लतीफी। आयोग के पास 54.32 करोड़ लोगों के आधार, अब तक एक भी आधार वोटर आईडी से नहीं जुड़ा। आरटीआई के तहत आयोग ने दी जानकारी। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। भारत के चुनाव आयोग ने 1 अगस्त से 12 दिसंबर के बीच पंजीकृत मतदाताओं से 54.32 करोड़ आधार नंबर इकट्ठे किए थे। इनमें से एक भी आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है। चुनाव आयोग ने सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के तहत 15 दिसंबर को इंडियन एक्सप्रेस को ये जानकारी दी है। किस्सा आधार नंबर का। संसद द्वारा चुनाव कानून संशोधन अधिनियम 2021 पारित किए जाने के बाद चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को विशेष अभियान शुरू किया, जिसमें उसे वोटर आईडी से जोड़ने के लिए आधार संख्या एकत्र करने का अधिकार दिया गया था। 17 जून को कानून मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 को अंतिम तिथि के रूप में अधिसूचित किया था कि मतदाता फॉर्म 16B भरकर वोटर आईडी से जोड़ने के लिए अपना आधार जमा कर सकते हैं। पिछले हफ्ते चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि कुल 95 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं में से लगभग आधों ने अपने आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ा है। वोटर आईडी से नहीं जुड़ा आधार। आरटीआई के जवाब में ये भी बताया गया कि चुनाव आयोग ने 4 जुलाई को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि 1 अगस्त से फॉर्म 6B में मतदाताओं के आधार संख्या के संग्रह के लिए कार्यक्रम चलाया जाए। लिंकिंग अभी तक शुरू क्यों नहीं की गई, इस पर चुनाव आयोग के प्रवक्ता ने कोई टिप्पणी नहीं की। इस बीच 16 दिसंबर को लोकसभा में सांसद रितेश पांडे, प्रद्युत बोरदोलाई और सैयद इम्तियाज जलील के एक सवाल का जवाब देते हुए कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पष्ट किया कि आधार और वोटर आईडी को लिंक नहीं करने पर किसी भी मतदाता को सूची से नहीं हटाया जा रहा है। क्यों पड़ी जरूरत। गौरतलब है कि चुनाव आयोग की लाख कोशिशों के बावजूद फर्जी मतदान को पूरी तरह से बंद नहीं किया जा सका है। इसके अलावा वोटिंग को ऑनलाइन या देश में कहीं भी वोट डालने की सुविधा शुरू करने जैसे मांग भी अब जोर पकड़ रहे हैं। इन सब के लिए वोटर आईडी कार्ड को आधार से जोड़ने की कवायद शुरू की जा रही है, मगर आयोग की ये देरी एक साथ कई सवाल उठाती है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और खबरों के साथ रूबरू होते रहने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।